देखिए, ये पिट का जो एग्ज़ाम 661 सवाल है और सभी प्रश्न हम लेके आए हैं सभी विषयों का। आप देख सकते हैं कि कंपटीशन का पेपर भारतीय इतिहास से पूछा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र कहाँ था? तो बौद्ध धर्म का था। करें नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था विशेषतः बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, तो तंत्र मंत्र धर्म का, तो बौद्ध धर्म का। दूसरा सवाल आप देख सकें, करें सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम के नदी पर। झेलम कहाँ पे है आप लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर में है। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया था, तो उपगुप्त थे। कौन थे दोस्तों? उपगुप्त थे। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आप लोग जानते हैं बाबर थे। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो आप लोग जानते हैं कनिष्क जी करवाए थे। पाँचवा हो गया छठा, देखिए यहीं से का छठा इधर है बल्कि। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रश्न उठाए गए थे। देखिए 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो आप लोग जानते हैं मणिपुर में है। गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके? कुटीर उद्योग के। देखिए सब दिया गया है, इसलिए हम लोग केवल आपको कैमरे लगा करके पढ़ दे रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा, बढ़िया से रोक करके पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, देखिए लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो आप लोग जानेंगे कलकत्ता में। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना का प्रारंभ किया था? तो आप लोग जानते हैं सिपाहियों के गदर के बाद प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। अगला देखिए आप लोग ध्यान से, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। भूगोल से देखिए प्रश्न है थे, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? तो डोलोमाइट है। अगला देखिए 12वां दिया गया, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो आप सकते हैं भूटान, चीन और म्यांमार। माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह राज्य में स्थित है? असम। इसके बाद आप देख सकते हैं 14वां, आइए देखिए दोस्तों, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? राजस्थान। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती। भारतीय अर्थव्यवस्था से सवाल इस प्रकार से पूछे हैं, इनमें से कौन सी भारत की विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। अगला देखिए दिया 17वां की नगद आरक्षित अनुपात उपकरण क्या है? मौद्रिक नीति। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1961-66 यही गलत है, बाकी सब आप लोग देख सकते हैं। दशमलव मुद्रा पद्धति कब शुरू की गई थी? 1957। किस पंचवर्षीय योजना ने ऐसा माना कि मानव विकास की सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है? 8वीं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे बढ़, तो आगे से देखिए यहाँ से है, भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? कोई सीमा नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार संदर्भित है। राज्य की नीति निदेशक तत्व। अगला लिया भारत के उच्चतम न्यायालयों को प्राप्त है, तो मूल अपली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। आगे देखिए सर, सामान्य विज्ञान से किस प्रकार से प्रश्न थे कि इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है? तो एस्कार्बिक एसिड। रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? पेप्सिन। 1 ग्राम बर्फ को 0° सेल्सियस पर पूरी तरह गलाने में कितने यांत्रिक कार्य की आवश्यकता होती है? तो 336 जूल। अगला देखिए दिया, निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? दृश्य प्रकाश में। निम्नलिखित प्रकाश के कांचों में सब कौन सा एक परावैगनी विकिरणों को प्रक्षेपित करता है? इसका सही जवाब आप लोग इधर देख लीजिए, क्रूक्स कांच। प्रारंभिक अंकगणित से देखिए सवाल था, इस सवाल का ये जवाब है, और चीनी वाला आप लोग पढ़ सकते हैं उसका ये जवाब है। आप लोग इसे करके लगाइएगा, मैं सही इसका जवाब दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग लगाइएगा, समय बचे तो फटाफट सवालों को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। समान हिंदी से जो प्रश्न थे उसको हम पढ़ते जाते हैं। जीती मक्खी नहीं निकली जाती लोकोक्ति का अर्थ है, जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यह गाय का आसली दूध है, यही है शुद्ध है। क्षमा जाएंगे, जो बात लोगों से सुनी गई उसके लिए एक शब्द है अनुसूरी या किदवंती। ग्रह का विलोम शब्द है ताज। अग्नि का पर्यायवाची, ये सभी समान अंग्रेजी से आप लोग पढ़ सकते हैं। दिया गया फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस, भरना था इसमें लिटिल भरा जाएगा। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, वो भरना था। चूज द करेक्ट इन मीनिंग्स ऑफ द प्रोवर्ब idioms, ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, इसको आपको करना था। अगला देख सकते हैं आप लोग, पीपुल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लोड विक्टिम्स, ये वाला था। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं, फिर देखिए तर्कशक्ति था,
देखिए अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हैं 47वां नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 48वां है, जिस प्रकार प्रोटीन का संबंध विकास से उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट का संबंध किस हेतु ऊर्जा से है, ये वाला भी 49वां प्रश्न भी बहुत ज़बरदस्त है। 50वां देख सकते हैं आप लोग हैं, दिए गए विकल्प में विषम मतलब निकालना था, समसामयिकी से भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर का बयान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है, तो आप जानेंगे 100%। अगला देखिए दिया सर कि इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानून दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो अल सलवाडोर। निम्न में से किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए भारत के पूर्व बॉक्सर डिंको सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, तो 1998। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए हाल ही में कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है, तो इसका जवाब इधर आपको मिलेगा 508 प्रस्तावों। बंगाली फिल्म फेयर और कवि बुद्धदेव वास गुप्ता का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो 77 वर्ष। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेक्सटेर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर कौन इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी बन गए हैं, तो जेम्स एंडरसन, जो गेंदबाज हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, तेज गेंदबाज हैं, दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के गोंटेंग प्रांत महिला गोसेम थमारा सिथोल ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो 10 बच्चों को। देखिए ये इंपॉर्टेंट, पहले हम लोग GK GS पढ़ते थे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे भी आया 57 नंबर के क्वेश्चन में। आप देख पा रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के गोंटेंग प्रांत महिला गोसेम थमारा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे आप लोग ताकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद भी रहे। दक्षिण अफ्रीका के गोंटेंग प्रांत इसे कर लेंगे, गोसेम थमारा सिथोल ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो एक साथ में 10 बच्चों को दिया सर, ये इंपॉर्टेंट। अगला देखिए दिया है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है, तो 3 विश्वविद्यालय। कौन कौन से आप लोग पढ़ डालिएगा, उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है PCS स्तर के एग्जाम में। निम्न में से किस राज्य के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद्र पांडे, देश के नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए, तो उत्तर प्रदेश। अगला देखिए दिया इनमें से किस हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अब से लीगल की जगह A4 साइज पेपर न्यूज किए जाने की घोषणा की है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानबे करते हैं। कोर्ट का नाम बदला है कि नहीं, अब हमें कमेंट करेंगे, क्षमा चाहे कैमरा हिलने के लिए। समान जागरूकता से देखिए सर, प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो भरतनाट्यम। निम्नलिखित देशों में से रैंड निम्नलिखित देशों, यहाँ थोड़ा नीचे करिए, निम्नलिखित देशों में से रैंड किसकी मुद्रा है, तो आप जानेंगे दक्षिण अफ्रीका की है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, सुमिलित के हरभजन सिंह कुश्ती, गलत, पहले ही गलत हो गया, कह रहे हैं सवाल को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है, हरभजन सिंह कुश्ती है तो गलत है, ये कदा भी नहीं है। फिर अगला देखिए दिया है, एक मिनट साफ लिखने के लिए थोड़ा सा। यहाँ पे बल्कि साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से, ये सही है। ज्वाला गुट्टा टेनिस से, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो ये सही है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, ज्वाला गुट्टा टेनिस, विराट कोहली फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ज्वाला गुट्टा टेनिस नहीं खेलते हैं। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया, 1995 में। निम्नलिखित किस उपनिषद में से आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया, तो मुंडक में से। वे संस्था बताई जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के संस्थान पर स्थापित किया गया, तो मानवाधिकार परिषद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। देखिए अगला प्रश्न 68 नंबर का, इसे देखा जा, करें कैमरा साफ नहीं दिख रहा। एन राजम ने निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्धि अर्जित की है, तो वायलिन में। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित नहीं है, खाद्य एवं कृषि संगठन। वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, खाड़ी, मुगल्फ। अपठित हिंदी से आप लोग पढ़ डालिए नीचे से, देखिए भाई अब ठीक हिंदी आप लोग यहाँ पे पढ़िए वीडियो रोक करके, यहाँ से सर आप लोग पढ़ डालिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा वर्ड, इसे भी सर देख लिया जाए। न्याय से देखिए लिखा, न्याय नीति से संबंधित, ये सब आप लोग पढ़ते जाइएगा। इसके प्रश्न सर यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि मैं भी किया हूँ, आप लोग भी करके इसे जो है सही कर लीजिएगा। पूरा निर्देश पढ़ डालिए, निर्देश पढ़ने के बाद सारे वाक्य भी पढ़ सकते हैं। ये कैमरा हम थोड़ा सा नीचे ला रहे हैं, दिखाई शायद आपको नहीं दे रहा होगा, कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाई दे, इसलिए इसका थोड़ा सा जो वीडियो क्वालिटी होगी अच्छा देंगे हम, ताकि आपको अच्छे से दिखे। फिर इधर आप देख सकते हैं ग्राफ वाला है, ग्राफ का व्याख्या विश्लेषण करना है भैया, इधर आप लोग देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ग्राफ को देखना समझना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे एक
का 2 सेकंड ज़्यादा आप ले लीजिए समय, फिर इसको यहाँ पे देखते जाइए। चलिए 84 तक आपका फाइनल आ गया, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये ग्राफ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आपका प्लस पॉइंट बनाएगा, इसलिए सर इसको आप समय दे करके आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये सामने ही दिया रहता है, सिर्फ इसमें दिमाग लगाना रहता है। बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लाएं तो आपका टेट यूपी ट्रिपल एस सी पेट आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। जो यूपी ट्रिपल एस नहीं होता, यूपी एस 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 पेट होता है, उसमें आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप बढ़िया से पेपर दीजिए, आपका परीक्षा अच्छा से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद।